भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक, हालांकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे लेकिन दो डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा, देखिए संगठन से लंबे वक्त तक वो जुड़े यहाँ पर रहे हैं, साथ ही प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और पहली बार बीजेपी ने जयपुर की सांगानेर सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जिसमें जीत उन्होंने हासिल की। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर दरअसल ये मौका भजन लाल शर्मा को दिया गया जिसमें जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो सामने आए और बतौर मुख्यमंत्री अब सामने आ चुके हैं। सांगानेर सीट दरअसल वही सीट है जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है और इसमें भजन लाल शर्मा ने जीत हासिल करके बीजेपी का विश्वास और ज्यादा मजबूत कर लिया था क्योंकि संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दो डिप्टी सीएम को लेकर भी जो नाम है वो साफ किए जा चुके हैं, राजस्थान में दो डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी एक डिप्टी सीएम होंगी और दूसरा नाम प्रेमचंद बैरवा का है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिया कुमारी को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, हालांकि पहले उनका नाम सीएम की रेस में भी यहाँ पर देखा जा रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान से निकलकर जो सामने आई है, दो डिप्टी सीएम एक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब चुनाव भी लड़ाया जा रहा था तब उस वक्त यहाँ पर यह भी माना जा रहा था, चूंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं, जयपुर वर्सेस भरतपुर का मुद्दा भी बहुत हावी रहा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने अब भरोसा जताया है और भजन लाल शर्मा को नियुक्त कर दिया है। वो अगले 5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें आप देखेंगे और उसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी यहाँ पर रखा गया। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार राजस्थान में भी ये सरप्राइज यहाँ पर दिया जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए चर्चा भले ही नहीं हो रही हो लेकिन जब आप सियासी सफर यहाँ पर भजन लाल शर्मा का जानेंगे संगठन में मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर, जब भी आप इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों के नाम की चर्चा होगी तो फिर ये सब इसमें एड ऑन होता जाएगा, यानी जुड़ता चला जाएगा क्योंकि यही सियासी मजबूती है। और वासुदेव देवनानी जो कि अजमेर से ही बहुत
बड़ा कद उनका माना जाता है। वासुदेव देवनानी यहाँ पर स्पीकर होंगे, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। भवानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भवानी, बहुत बड़ी खबर है, जो नाम थे वो सारे सामने आ गए, इस वक्त क्या तस्वीर है जयपुर में? तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दिया कुमारी जो है वो डिप्टी सीएम होंगी, इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा जो है वो राजस्थान के डिप्टी सीएम होंगे। यानी दो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो राजस्थान में भी बरकरार रखा गया है। और यहाँ पर भजन लाल शर्मा को ब्राह्मण समाज से जो आते हैं, जिनका संघ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता कहा जाता है, जिन्होंने काफी मेहनत की है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मौका उसी को मिलेगा जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा, जिसने जमीन पर मेहनत की होगी। और यही यहाँ पर जब नाम का ऐलान किया गया तो ये साफ हो गया कि आखिर जो मौका है वो उन्हें दिया जाए जिन्होंने जमीन पर काम किया हो। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी भवानी लगातार बने हुए, एक बार सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। भवानी, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देखिए, भजनलाल शर्मा को जो विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद में उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिया कुमारी आप देखिए कि दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में था, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा जो दूदू से आते हैं विधायक, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि एससी और राजपूत डिप्टी सीएम बनाया गया और ब्राह्मण सीएम बनाया गया। बीजेपी काफी सोच समझ कर फैसले करती है और यह कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया अलग तरीके से। आप बताएं कैसे लग रहा है आपको? नहीं, डिप्टी सीएम किसको बता रहे हो? दिया कुमारी डिप्टी सीएम। ये जो जातिगत आंकड़े को राजस्थान को साधने की कोशिश की है पूरी तरीके से 2024 के लिए, और ये बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने युवा मोर्चा से कैरियर स्टार्ट किया, प्रदेश महामंत्री रहे 4 बार और अब राजस्थान की मुख्यमंत्री की गद्दी को तो पहली बार विधायक भी पहली बार चुने, विधायक पहली बार चुने गए हैं, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अभिभावक वो पिछले 40 साल से हैं, वो विभिन्न विभिन्न दायित्वों पे रहे हैं और पार्टी को इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत से काम करता है तो उसका अब ये काफिला किसी भी वक्त आ सकता है यहाँ पर, उसे चाहे देर हो चाहे सवेर हो, उसे मुख्यमंत्री उसे अपनी मेहनत का फल मिलेगा, ये आज मोदी जी ने साबित कर दिया है। तो ये तस्वीरें एक मोटे तौर पर आपको तस्वीर बताता हूँ, कैमरामैन मनीष को आप बता रहा है कि ये पूरा कॉरिडोर यहाँ से खाली करा लिया गया है। और यहाँ आप देखिए कि अब क्योंकि ये यहाँ जैमर लग चुके हैं, गाड़ियां लग चुकी है, एक कार एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा त्रिभजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूँ कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी ये स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी।
बाइट करेंगे बाइट।